मम्मी को किडनैप करके यहाँ पर बांध कर रखा है। ये लोग दिखने में बिल्कुल जल्लाद जैसे हैं। सुनिए, इन्हें जो चाहिए दे दीजिए, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैडी डैडी जल्दी आइए ना प्लीज। hey, सुन मुझे पता है पुलिस स्टेशन में तेरी अच्छी पकड़ है, वहाँ जाने की कोशिश मत करना, वरना गलती की तो तेरी बेटी और बीवी जिंदा नहीं मिलेंगे। कमांडो, उस औरत और बच्ची को सेव कर लिया। गवर्नमेंट ऑफिसर की वाइफ निर्मला और उनकी बेटी को, मेरी बेटी कहाँ है सर? मेरी फैमिली कहाँ है सर? प्लीज बताइए ना सर। प्रोविडेंट का पैसा, पेंशन फाइल का पैसा क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए फाइल हमने आगे बढ़ा दी है सर। काम नहीं रुकेगा, हम अभी साइन कर देते हैं सर। मेरा परिवार तो सुरक्षित है ना सर? भाई जल्दी पेन दो। अरे ये क्या है, कितनी फाइल पेंडिंग रखे हो? आप ही ने तो कहा है कि जब तक टेबल पर कैश ना आए फाइल आगे मत बढ़ाना। गरीबों के आंसू तुम लोगों को क्या दिखेंगे, तुम सड़ सड़ कर मरोगे। सर आप करते रहिए ना। हे भगवान, मेरी बीवी बच्चों को बचा ले। काव्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर जॉनी कमांडो नहीं आते तो हम सब लोग बॉम्ब के साथ ब्लास्ट हो जाते। डैडी क्या आप सबके साथ धोखाधड़ी करते हैं? डैडी आप किसी को धोखा मत दीजिए प्लीज। डैडी, भगवान सबको रोजी रोटी देते हैं लेकिन उसे उनके मुंह से छीन कर खाते। कुत्ते, तुम्हारे जैसे आवारा कुत्ते। मैडम प्लीज आप अपने पति से कहिए आवारा कुत्ते की जिंदगी ना जिए। डोंट बी द डॉग, डोंट बी द डॉग, डोंट बी द स्ट्रीट डॉग, डोंट बी द स्ट्रीट डॉग। आप यही सोच रहे हैं ना कि फिल्म की शुरुआत में ही इतना बड़ा हादसा हो गया? अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। गरीबों का रखवाला होता है हीरो, हमारा जॉनी, बापू और गुड्डू। ये पेंशन और पीएफ फंड को कैसे रिलीज करवाते हैं ये आपको देखना है? तो देखिए। सॉरी मैडम, आपके पति गरीबों से नाइंसाफी कर रहे हैं, इसके लिए आपको किडनैप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इट्स ओके, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना मैडम? उसे भी किडनैप कर लेंगे मैडम। 15 सालों से वो रिश्वत लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा किया हमें किडनैप करके। ठीक है तो पापा शुरू करें। मैडम आपको भी साथ देना पड़ेगा। हाँ। बेटी तुम भी एक्टिंग करना तो सब इंसाफ मिल जाएगा। ओके ओके चलो गन संभालो। अरे सुनो, ये दिखने में जल्लाद जैसे हैं। अरे बच्ची के बाप, ये तालिबान नहीं मुर्गाबान है। शिरोजा गवर्नमेंट ऑफिसर आ गया। अच्छा इतनी जल्दी? वंदे मातरम, जय जवान। तू हमें गेटअप दे रहा है या दीवार में रंग पोत रहा है? चलो ठीक से लगा, चलो और एक्टिंग। एक्शन। भाई ऑफिसर आ गए, पिंक शर्ट वाले ने सारी फाइल साइन। अच्छा अरे सुनो सुनो, सारे पेपर साइन हो गए। आगे एमएलए भाई, अब तुम्हारी एंट्री है। मेरी एंट्री पे कम से कम एक बम तो फोड़ो। हीरो की एंट्री है, जबरदस्त धमाका चाहिए क्या? पक्का धमाका। हाँ हाँ, वो तो मैं कब से देख रहा हूँ, सिर्फ धुआं निकलता है तुम्हारे हाथ धमाके में। देख लेना। अरे तो जो भी करना है अब जल्दी करो, johnny.com की इज्जत का सवाल है। आपने हमारा काम कर दिया, आपको जो चाहिए वो बताइए हम देंगे। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब हम संभाल लेंगे। शुरू करें। मैडम हमारी एंट्री पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा, आप घबराना मत बेटी। मैडम तीनों एक साथ धुएं के बीच से निकलेंगे। 1 2 3 गो या। Who is this person? सुरेश पापा, व्हाट हैपेंड? इसे बुरी तरह घसीट कर यहाँ क्यों लाए हो? He is government servant. ए, इसने क्या किया तुम्हें पता है? सब सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं और ये लटकने के लिए गया था। ए, ए सुरेश तुझे शर्म नहीं आती है करने में? पापा तू अपनी सीट पर जा। ए तू इधर बैठ। खड़े क्यों हो? बैठ जा। ब्लडी फेलो। क्या हुआ था बकना, बोलना। मैं जिस ऑफिस में काम करता था, ऑफिस में एक लड़की से मुझे प्यार हो गया भाई। ए, इसने कोई खून तो नहीं किया ना? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है ना। बैठ जाओ, इसके लिए इतना टेंशन क्यों लेते हो? बोलो। असल में बात यह है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। दिल वाले ने दुल्हनिया को प्रेग्नेंट कर दिया।
बैठ जा प्यारे, बैठ जा, आगे बोलो। प्रेग्नेंट, बाप रे। ये पोगो चैनल पे चलने वाली छोटा भीम की स्टोरी नहीं है, स्टार प्लस पे चलने वाली प्रेग्नेंट स्टोरी है। कान बंद कर। सुनो पापा, रजिस्टर पर शादी से पहले ही बच्चे का नाम दर्ज करवा दिया। शादी से पहले अय्याशी करने वाला मनचला है ये। सही टाइम के पहले गर्भवती करने वाले गुनहगार हो तुम। भाई उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए हमने रजिस्टर मैरिज करने का सोचा। मैंने 2 दिन तक रजिस्टर ऑफिस में उसका इंतजार किया। मतलब? पर फोन नहीं आई। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ओह माय गॉड। ए पिज़्ज़ा, ओपन यू आईएस और इसकी सारी डिटेल गूगल पे सर्च करो। ओके भाई। कुछ करने से पहले सारी डिटेल तैयार रहनी चाहिए। ठीक है भाई। ऑपरेशन टू प्रेग्नेंट मैं और पापा मिलकर करेंगे। अरे भाई, ये छोटी छोटी डील के लिए तुम क्यों जाओगे? मैं जाऊंगा और उस लड़की को उठाकर ले आऊंगा गोदाम में। कैसी लड़की हो, तुम्हें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है? रजिस्टर ऑफिस में आने का वादा करके इसे ठेंगा दिखा दिया। देख बेटा, सुरेश दिखने में सांप जैसा दिखता जरूर है, मगर वो 24 कैरेट गोल्ड है। तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना अच्छा इंसान है। रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए हम फादर हैं। ये है उसका बिग फादर और मैं हूँ स्मॉल फादर। इस दुनिया के सारे मर्द उसके फादर हैं। तो फिर अकेला ही बिग फादर क्यों हो गया? सॉरी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए हीरो आता है ना। ओके कंटिन्यू। देखिए मैडम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे सेटल करने के लिए johnny.com हाजिर होगा। ए पिज्जा खोल दे। ये लो। ए तू, तेरा नहीं यार, मैडम के हाथ पर खोल। इन्हीं से पूछते हैं सुरेश से ने क्या प्रॉब्लम है। जवानी के जोश में आकर गलत कदम उठा लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। पापा, ये तो सच में रसमलाई है। सुना है बनाते समय भगवान सबको अलग रंग देते हैं, लेकिन इसे तो इंद्रधनुष के सारे रंग दे दिए हैं पापा। दूसरे के मुंह का निवाला मत छून, वो पहले ही गले में रस्सी डाल चुका है। इन दोनों का एग्रीमेंट इसके पेट में पल रहा है। पापा, मेरा दिल सच में बहुत दुखी है। मैं अभी आता हूँ। क्या? देखो उस प्यार के खेल में उसने इसे या इसने उसे धोखा दे ही दिया है। किसी को बच्चे की फिक्र नहीं है। ये कहे तो मैं इसे जिंदगी दे सकता हूँ। अरे पिज़्ज़ा। यस पापा। इस रसमलाई केस को तू ही डील कर। ओके पापा। भाई सुरेश, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सब कुछ हैंडल कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूँ ना। थैंक यू भाई। सुरेश जी भाई, ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बड़ी छोटी बहन नहीं है क्या? नहीं भाई, इकलौती बेटी है। क्या हुआ? सुन सुरेश, तू जा भाई, जा। ठीक है भाई। जॉन कंट्रोल यार। भाई जिस लड़की को आपने पकड़ा है वो कौन है? अजीब आदमी है, उसे तूने माँ बना दिया और पूछ रहा है कि कौन माँ है? कसम मैं उस लड़की को नहीं जानता। सुरेश भाई ने जो लोकेशन दिया था वहाँ यही लड़की खड़ी थी। अब वहाँ पे जो लड़की खड़ी होगी उसी को उठाऊंगा ना। कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। अफसोस यह है कि एक ब्यूटीफुल लड़की की इज्जत का भाजीपा बन गया। अब तुम ही लोग संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जॉनी भाई, तुमने समझा क्या है? johnny.com को समझा क्या तुमने? प्यार करना आता है लेकिन सही एड्रेस देना नहीं आता। भाई एक अनजान लड़की को जाने दो उसे। ए तू कहाँ जा रहा है? तू जाकर उससे सॉरी बोल दे, शरीफ लड़की है बेचारी। नमस्ते दीदी। सॉरी दीदी, अंडरस्टैंड करने गया था, मिसअंडरस्टैंड हो गया। दीदी दीदी दीदी, ब्लडी फेलो, कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं दीदी। अच्छा, हाँ। कहाँ गए वो? बुला कर लाऊं उन्हें। रुको अभी लगा जाता हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सूटकेस लेकर आ जाओ। चटाई, गद्दा, बेडशीट, गैस चूल्हा सब तैयार करके रखा है। वास्तु भी करेक्ट है, न्यूरोलॉजी भी करेक्ट है।